आज मैं आपको बताऊंगा अजवाइन के स्वास्थ्य लाभ। वैसे तो घरों में अजवाइन का खट्टा मीठा चूर्ण बना कर रखा जाता है, जो खाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। इससे आपका हाजमा बेहतर रहता है और पाचन क्रिया को सही रखने के लिए दादी नानी इसका फपका मारने के लिए कहती थी। पेट में दर्द होने पर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के लाभकारी गुण होते हैं, जो अपनी खुशबू से खाने को बेहतर बनाते हैं। अजवाइन की तासी बहुत ही गर्म होती है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल उचित मात्रा में ही बेहतर होता है। अजवाइन का तेल भी निकाला जाता है। अंग्रेजी में इसे ओमम वाटर कहते हैं, जो आपके शरीर के दर्दों को दूर करता है। इसके तेल से जोड़ों पे मसाज करने से काफ़ी आराम मिलता है और ये शरीर के चरम रोगों को भी दूर करता है। अगर आपके शरीर में खुजली हो जाए या दाग दाद हो जाए तो आप अजवाइन के पानी में काढ़ा पीसकर इसे अपने शरीर पर दो बार लगाएं। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आप इसका प्रयोग जख्म और घाव पे भी कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आपके जख्म भर जाएंगे और आपके दाग गायब हो जाएंगे। अजवाइन में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये आपके अनेक रोगों को दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करती है। अजवाइन के प्रयोग से आप अपने पाचन तंत्र की क्रियाएं भी ठीक रख सकते हैं, जैसे कि कब्ज होना, पेट में दर्द होना, अन्य प्रकार की समस्याएं, सूखी खांसी होना। अगर आपको सूखी खांसी है तो आप अजवाइन को पान के पत्ते के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी फायदा देगा। अर्थराइटिस के लोगों को, अगर आपको अर्थराइटिस की बीमारी है तो आपको अजवाइन के तेल से अपने अर्थराइटिस पे मालिश करनी चाहिए। अगर आपके कान में दर्द है तो आप अजवाइन के तेल की कुछ बूंदें अपने कान में डाल के इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। मोटापा कम करना, अगर आप अजवाइन का प्रयोग करेंगे इससे भी आपको मोटापे में काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आप अजवाइन को शहद के साथ प्रयोग करेंगे, ये आपकी गुर्दे की पथरी में काफ़ी आपकी सहायता करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।